स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का विषय है पार्ट 14, आप भले तो जग भला। बच्चों, पिछले सेशन में आपने इस पार्ट की रीडिंग की और यह जाना कि हमें जीवन के प्रति सकारात्मक और स्वस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। लेखक ने भी विभिन्न प्रसंगों और उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया है कि यदि मानव स्वयं भला है तो उसे प्रत्येक व्यक्ति भला दिखाई देता है। भला होने का अर्थ है सदैव दूसरों की अच्छाइयों, सद्गुणों को देखना, अपने अंदर की बुराइयों, अवगुणों पर भी ध्यान देना और हर परिस्थिति में प्रफुल्लित रहना, अपने निंदक का भी एहसानमंद होना और प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम, सौहार्द एवं नम्रतापूर्ण व्यवहार करना। बच्चों, इस सेशन में हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं वर्तनी ज्ञान की तरफ और अब हम शब्दों के मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और प्रचलित रूप यानी पॉपुलर फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला शब्द है कुत्ता, क उ आदा त त आ, क उ आदा त त आ, कुत्ता। नेक्स्ट वर्ड है प्रसिद्ध, प के पैर में पदे, स को छोटी ई, ध के पैर में हलंत ध, प्रसिद्ध। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प के पैर में पदे, स को छोटी ई, ध के पैर में ध। ये दोनों ही शब्द सही हैं। यंत्र, यंत्र में य के ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार की जगह हम आधे न का भी प्रयोग कर सकते हैं तो यह शब्द भी सही होगा। निंदक, निंदक में फिर अनुस्वार है और उसकी जगह पर आधा न आ जाएगा। संत, संत के ऊपर फिर अनुस्वार है, स अनुस्वार त संत। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, स आधा न त संत। प्रसन्न चित, प के पैर में पदे, स आधा न न, च को छोटी ई, आधा त त, प्रसन्न चित। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प के पैर में पदेन, स आधा न न, च ई त। उत्तर, उ आधा त त र, उत्तर। उ त, ये जो ऊपर लाइन है ना, ये आधे त की ही होती है, र उत्तर। बंद, ब के ऊपर अनुस्वार है और अनुस्वार की जगह हम आधा न भी लिख सकते हैं। कर्तव्य, क आधा त, त के ऊपर रेफ, आधा व, य, कर्तव्य। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क आधा त, त ऊपर रेफ, आधा व, य, कर्तव्य। बच्चों, यह इसके मानक रूप है और यह इसके प्रचलित रूप है। अब हम बढ़ते हैं सही उच्चारण कीजिए एक्सरसाइज की ओर। उच्चारण का अर्थ होता है शब्दों को सही ढंग से पढ़ना या बोलना। हमारा पहला शब्द है प्रतिध्वनि, प के पैर में पदेन, त ई, आधा ध, व, न को छोटी ई, प्रतिध्वनि। बच्चों, आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ जुड़ती है। नेक्स्ट वर्ड है स्मरण। अशिष्टता, ओ शोक छोटी ई, आधा श, ट, त, आ। नुक्ता चीनी, आलोचना, त्रुटि, त्र को छोटा उ, ट को छोटी ई, त्रुटि। निंदक, अपमान, अवगुण। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है सोचिए और बताइए। हमारा पहला प्रश्न है पहला कुत्ता गश खाकर क्यों गिर पड़ा। बच्चों,
आपकी सुविधा के लिए मैं फर्स्ट प्रश्न का उत्तर आपको करना सिखाऊंगी, बाकी का आप खुद करेंगे। इसके कीवर्ड्स हैं जोर जोर, ये देखो जो के पैर में जो बिंदी है से हम क्या कहते हैं, नुक्ता चिन्ह। नेक्स्ट है उछला, कूदा, भौंका। पहला कुत्ता जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और अंत में स्वयं गच खाकर गिर पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है इमर्सन कौन थे, यह तो आपको पता ही है, अब यह प्रश्न आपने खुद करना है। अब हम बढ़ते हैं लिखित कार्य की तरफ। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। विकल्प का मतलब है ऑप्शंस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने सही ऑप्शन को अंडरलाइन करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने एक करके बताया है और आपने भी ऐसे ही करना है। जैसे दर्पण में क्या दिखाई देता है, चेहरा, प्रकाश, प्रतिध्वनि, तो हमारा आंसर क्या है, चेहरा। बाकी के मैं आपको रीड करके बताऊंगी और आपने खुद करने हैं। कुत्ता खुश होने पर क्या करता है, दुम हिलाता है, भौंकता है, काटता है। अब्राहम लिंकन कहाँ के प्रसिद्ध नेता थे, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका। पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, श्रीमन नारायण, प्रेमचंद। पाठ का शीर्षक क्या है, शीर्षक मतलब टाइटल, आप भले तो जग भला, आप अच्छे तो सब अच्छे, आप गुनी तो सब गुनी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिसमें आपने सही शब्द लिखना है। जैसे हमारा फर्स्ट फिलअप है हमारे चारों ओर की दुनिया डैश के महल जैसी ही है। आपकी सुविधा के लिए एक फिलअप मैं सोल्व करके बताऊंगी, बाकी के आपने खुद करने हैं। जैसे इसमें शब्द आएगा कांच, क आ ऊपर चांद बिंदु, च कांच। बाकी की मैं रीडिंग करके बताऊंगी। आप भले तो जग डैश, आप बुरे तो जग डैश। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ डैश अवश्य रहती हैं। जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह डैश है। थर्ड एक्सरसाइज लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर। बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताऊंगी और इसके आंसर आपने पाठ में से ढूंढने हैं। फर्स्ट प्रश्न है कांच के महल में कौन भड़कता हुआ घुस आया, यह तो आपको पता ही है। नेक्स्ट लेखक ने किसकी मिसाल अपने मित्र से ना चाहते हुए भी की है। नेक्स्ट हमारे चारों तरफ किस प्रकार की दुनिया है। अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार क्या पूछा, निंदक क्या काम करता है, यह तो आपको पता है कि निंदक क्या काम करता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो पहला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और इस प्रश्न के साथ ही आपकी सुविधा के लिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूँगी, उनकी सहायता से आप अपना आंसर सॉल्व करोगे। तो पहला प्रश्न है दूसरा कुत्ता कांच के महल में क्या करता रहा। इसके कीवर्ड्स हैं महल,
हजारों। ह ज के पैर में बिंदी, इसे बच्चों हम कहते हैं नुक्ता चिन्ह। आ र ओ और ऊपर अनुस्वार, तो शब्द बना हजारों। कुत्ते, पूंछ, हिलाते, नजर, खुश, बड़ा, प्रसन्नता। प के पैर में पदेन, स आधा, न तो आ। उछला, कूदा, छाया, खेला। इसका आंसर इस प्रकार बनेगा कि दूसरे कुत्ते को भी महल में हजारों कुत्ते दिखाई दिए, वह उन्हें देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसे वे सभी कुत्ते भी पूंछ हिलाते नजर आए। उसने फिर अपनी पूंछ हिलाई, उसे फिर सभी कुत्तों की पूंछ हिलती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ और अपनी पूंछ हिलाते हुए उन कुत्तों की ओर बढ़ा। सभी कुत्ते भी उसकी ओर पूंछ हिलाते हुए बढ़े। यह देखकर वह प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता महल से बाहर चला गया। ग्रीस के महान संत सुकरात ने पते की क्या बात कही है? इसके कीवर्ड्स हैं मनुष्य, मनु आदर्श, य मूर्ख, जानता, ज्ञानी, ज्ञ आ न ई, अनजान, बड़ा, मूर्ख। ग्रीस के महान संत सुकरात ने बड़े पते की बात यह कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और अनजान बनता है कि वह मूर्ख नहीं है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार पृथ्वी सिंह के किस बर्ताव पर बापू को खुशी और संतोष हुआ? इसके बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से क्या कहा? इसके कीवर्ड्स हैं हिंसा, मार्ग, त्याग कर, आदा त य आ ग कर, बापू, अर्पण, अ प के ऊपर रेफ अण्य, खुशी, सेवा, ग्राम, स ए व आ ग के पैर में पदेन, आ म, आश्रम, अहिंसा, सीख। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, सरदार पृथ्वी सिंह ने जब हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने आप को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सकें, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपने वाक्य बनाने हैं। मैं आपको एक एक वाक्य बनाना सिखाऊंगी, परंतु आपने मेरे वाले वाक्य नहीं बनाने हैं। आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करना है और अपने अपने वाक्य लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है अज्ञानता, अ ज्ञ आ न त आ। अज्ञानता मीन्स ज्ञान ना होने की स्थिति। इसका वाक्य बनेगा, ज्ञान से ही अज्ञानता दूर होती है। नेक्स्ट वर्ड है एकाग्रता, मीन्स ध्यान लगाना। पढ़ाई करते समय एकाग्रता का होना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है दुविधा, दुविधा मीन्स दो में से एक चुनने की परेशानी। इसका वाक्य बनेगा, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात
छात्रों को विषय चुनाव की दुविधा रहती है। नेक्स्ट वर्ड है निंदक, निंदा करने वाला। कबीर ने अपने दोहे में निंदक की भी प्रशंसा की है। आगे भाषा बोध मुहावरा, वह वाक्यांश जिसके प्रयोग से अर्थ में विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है उसे हम मुहावरा कहते हैं। फर्स्ट, आग बबूला होना, मतलब बहुत गुस्सा होना। परीक्षा में कम अंक देखकर सुभाष के पिताजी आग बबूला हो गए। इसके अतिरिक्त आप इसका और भी कोई अन्य वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है पूंछ हिलाना, मींस खुश होना। मांस का टुकड़ा मिलने के बाद कुत्ता दुम हिलाने लगा। गश खाकर गिर पड़ना, यानी बेहोश हो जाना। अत्यधिक गर्मी के कारण भिखारी गश खाकर गिर पड़ा। कारक, वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम तथा क्रिया के मध्य पाए जाने वाले संबंध कारक कहलाते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश में कारक बताइए। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें नीचे अंडरलाइन भी किया गया है और आपने यह बताना है कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा है। जैसे आपकी सुविधा के लिए एक मैं सॉल्व कर देती हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे। महल कांच का बना हुआ था, तो इसमें कारक क्या है? का। उसी महल में दूसरा कुत्ता आया, इसको अब आप खुद करोगे। पेड़ के पत्तों पर प्रकाश आवश्यक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसे मैं रीड करूंगी और आपकी सुविधा के लिए मैं एक सॉल्व करूंगी, बाकी के आप खुद करेंगे। जैसे हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? मीठे। वचन की ये क्या है? विशेषता, कि हमें कैसे वचन बोलने चाहिए? मीठे। तो इसमें विशेषण क्या है? मीठे। अब नेक्स्ट की मैं रीडिंग करूंगी और बाकी आपने खुद करना है। आज बहुत तेज वर्षा हो रही है, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। नेक्स्ट वचन, जिन शब्दों से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन। बच्चों वचन के कितने भेद होते हैं? दो, एकवचन, बहुवचन। दिए गए शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपकी सुविधा के लिए मैं एक सॉल्व करूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे फर्स्ट है कुत्ता, कुत्ता इसका बहुवचन क्या होगा? कुत्ते, क उ आधा त त ए। अब बाकी के शब्दों की मैं रीडिंग करूंगी और यह आपने खुद करने हैं। नेता, पूंछ, मक्खी। बच्चों मुझे आशा है कि आपको इस चैप्टर का सार और बैक एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन कॉपी पर करने हैं और बाकी का काम सुंदर सुंदर बुक पर करना है। धन्यवाद, अगले सेशन में मिलेंगे। गुड बाय।